हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग देखा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आज हम लोग देखेंगे उसका एप्लीकेशन और उसके बाद उसके पहले उसका कन्वर्स देखेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो हम लोग का था स्टेटमेंट, एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में तो ये एंगल बाइसेक्टर है किसी ट्राइंगल का, किसी एंगल का। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, बी एंगल बाइसेक्टर है इस साइड को, साइड अपोजिट होता है एंगल को, उसको डिवाइड करता है बाकी दो साइड के रेशियो। कब है जब एंगल बाइसेक्टर दिया है तब क्या होता है, रेशियो इक्वल हो जाता है। लेकिन कन्वर्स क्या बोलता है कि जब रेशियो इक्वल होगा तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ट्राइंगल इफ अ लाइन ओके डिवाइड्स दिस साइड अपोजिट टू दिस साइड अपोजिट टू दैट एंगल इनटू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड, देन दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, सो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसको भी हमको प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग का स्टेटमेंट देखेंगे। ओके, उसका जो स्टेटमेंट है क्या, इनर ट्राइंगल अलाइन जॉइनिंग एंगल एंड एनी पॉइंट ऑन इट्स अपोजिट साइड। ठीक है, मतलब लाइन जॉइनिंग एंगल एंड एनी पॉइंट इन अपोजिट साइड, मतलब अगर मैं बात करता हूँ ये मेरा ट्राइंगल है, लाइन जॉइनिंग एंगल एंड एनी पॉइंट ऑन दिस अपोजिट साइड, ओके, डिवाइड द अपोजिट साइड और डिवाइड द साइड यानी ये वाली साइड, ओके, इनटू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड, इनटू द रेशियो ऑफ remaining two sides into the ratio of remaining two sides, okay, then that line is angle bisector। ठीक है, मतलब अगर ये जो लाइन है एंगल को ज्वाइन कर रहा है साइड पे, किस लाइन पे भी एक पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये जो लाइन है इस साइड का जो रेशियो होगा, यानी अगर मैं बात करता हूँ BD upon DC और ये BD, तो अगर मैंने पास है BD upon DC is equal to AB upon AC, अगर ये रेशियो इक्वल है देन आई कैन से दिस इज अ बाइसेक्टर, यानी AD इज अ बाइसेक्टर। ये हो गया हम लोग का कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे एक्सरसाइज में। तो फिलहाल हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो हम लोग का इम्पोर्टेंट है। एक और एप्लीकेशन हम लोग है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ BBB दैट इज इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ BBB सेकंड एप्लीकेशन जो है दैट इज, इसको हम लोग एक बार और बोल सकते हैं इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन। तो इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन दैट इज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ BBB। देखते हैं क्या है यहां पे, एप्लीकेशन ऑफ BBB दैट इज आल्सो सेकंड एप्लीकेशन हम लोग का, ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन। इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन, ठीक है। तो रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन लोग क्या कर सकते, तो पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या दिया है यहाँ पे कि इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन। सपोज कि मेरे पास ये थ्री पैरेलल लाइन, ये है लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, लाइन का नाम है एल एम, लाइन एल पैरेलल टू एम, एम पैरेलल टू एल, दिस थ्री लाइंस आर पैरेलल। तो दिस थ्री लाइन मेक सम इंटरसेप्ट ऑन अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो सपोज ये ट्रांसवर्सल थ्री इंटरसेक्ट कर रहे लाइन को ए बी सी, तो इनका जो इंटरसेप्ट हो गया ए बी और बी सी, और सेम थ्री पैरेलल लाइन किसी दूसरे ट्रांसवर्सल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कि सपोज ये ट्रांसवर्सल है क्यू, यहाँ पे अगर मेरे पास आगे डी ई और एफ, तो इनका जो इंटरसेप्ट है डी और, तो लाइन एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एम एंड इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन ट्रांसवर्सल पी इज ए बी एंड बी सी एंड ऑन ट्रांसवर्सल क्यू इज डी एंड ई, तो रेशियो क्या होगा सी ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ। ये हम लोग का थ्योरम,
तो दिस इज रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट काफी सिंपल है। क्या स्टेटमेंट? द रेशियो ऑफ, स्टेटमेंट काफी सिंपल, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट एंड ये इंटरसेप्ट, रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन ऑन वन ट्रांसवर्सल, पहला लाइन हम लोग का इसके ऊपर ही है। द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन ऑन वन ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सेम पैरेलल लाइन ऑन अनदर ट्रांसवर्सल, ये है यही हम लोग का इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले इसको स्टेटमेंट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम लोग का है द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन, रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन ऑन वन ट्रांसवर्सल, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन ऑन वन ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन अलग नहीं होगी, सेम पैरेलल लाइन ऑन अदर ट्रांसवर्सल, ठीक है। यानी कंडीशन हमारे पास है रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल गिवन है और दो ट्रांसवर्सल होंगे, तो ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट होगा वो दोनों इक्वल। तो पहले यहां पर हम गिवन करते हैं, इसको प्रूव कर रहे हैं हम लोगों को। थ्री पैरेलल लाइन, लाइन हमारे पास एल एम और ये तीसरा लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन एल एम है, ट्रांसवर्सल हमने ले लिया पी, ठीक है। दूसरा एक ट्रांसवर्सल हम लोग का क्यू, तो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी सी, यहाँ पर भी हमने डी ई और एफ, ठीक है। यहाँ पे लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, ठीक है, एंड लाइन ई एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल, ठीक है। लाइन ई एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन है ए बी सी एंड डी ई एफ रेस्पेक्टिवली, इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन एल एम एन एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी ई एफ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमको प्रूव करना है, क्या प्रूफ करना है? इनका जो रेशियो है इंटरसेप्ट का ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, ठीक है। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, तो ये हम लोग को प्रूफ करना, प्रूफ करेंगे काफी सिंपल, एक कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, ड्रॉ सिक ई एफ इंटरसेक्टिंग बी ई एट पॉइंट जी, ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया हमने, से AF at point G, draw say AF at point, draw say AF intersecting BE at point G, ठीक है, B को intersect कर रहा है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो काफी सिंपल है, M parallel to N, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं कंसीडर करता हूँ ट्राइंगल ए सी एफ, जिसके अंदर हम लोग का ये ट्राइंगल है बी, यहाँ पे लिखे यहाँ पे जी लिखे, तो एम अगर पैरेलल है तो बी जी पैरेलल हो जाएगा। अब ये पैरेलल है तो फिर बाय यूजिंग बीपीडी, क्योंकि एप्लीकेशन है बीपीडी का, यहाँ पे बीपीडी यूज होगा, तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए जी अपॉन जी। तो पहले हम लोग कंसिडर करते हैं प्रूफ में, इन ट्राइंगल ए सी एफ से BG parallel to say CF, reason B dash G dash E,
परफेक्ट, और ऑलरेडी ये गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी एफ। ओके, रीजन का रीजन आएगा बी पी ई। ओके, अब ऐसे ही मेरे पास एक दूसरा एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ए डी एफ, तो उल्टा है। इसमें वापस मैं बोल सकता हूँ जी पैरल टू ए डी, क्योंकि ये पैरल ऑलरेडी गिवन है, तो इन ट्रायंगल, हाँ, इन ट्रायंगल ए डी एफ, जिसमें से ए डी एफ है, इसमें से ए डी पैरल टू से जी, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं मतलब बी डैश जी डैश डी एंड जी डैश, ठीक है। तो अब इसमें वापस से हम लोग लिखेंगे बी डी यानी ए जी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, इसका रीजन आएगा बी पी ई, ठीक है। अब अगर ऑब्जर्व करें तो 102 ए बी अपॉन बी सी ए जी अपॉन जी एफ, यहाँ पे भी ए जी अपॉन जी एफ, ये दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा सेम, फ्रॉम 182 फ्रॉम 182 क्या हो गया ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, रीजन। ओके, ये आ गया, जब हम लोग एक बार हम लोग बोल सकते हैं क्या रेशियो आ गया, ठीक है। हेंस ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी का, ठीक है, ये हो गया। अब जितने भी एप्लीकेशन हमारे हो गए इनके बेस पे हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, तो पहले हम लोग 1.2 देखते हैं, ठीक है। 1.2 में हम लोग का, ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने देखा अभी एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी, इसमें हम लोगों ने देखा इंटरसेट में थ्री पैरेलल, तो उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7, तो पहले इसको कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दिया ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू डी सी, जैसे कि अभी हमने देखा कि थ्री पैरेलल लाइन, ये तीन पैरेलल लाइन है और ये दो ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये ट्रांसवर्सल है। जैसे कि थ्योरम अभी हमने देखा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट पर थ्री पैरेलल लाइन ऑन सेम ट्रांसवर्सल, दोनों भी ट्रांसवर्सल, रेशियो क्या होगा हमेशा सेम, यहाँ पे ले सकता सेम बाय थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन, थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन, क्या हो जाएगा हम लोग का ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन यू सी। तो जो वैल्यू दिए हमको ए पी दिया 15, पी डी दिया 12, क्यू सी दिया 14 और पी क्यू फाइंड करना, सिंपल है, वैल्यू पुट कर दो, DP हमारे पास कितना है 15, PD हमारे पास है 12, BQ हमको फाइंड करना है, QC हमारे पास है 14, ठीक है। तो इस तरह से हमने कहा कि यहाँ पे वैल्यू लेके पुट किया, सिंप्लीफाई करो, काफी सिंपल, 15 इंटू 14 अपॉन 12 आएगा BQ, ठीक है, 3 4 जा 3 5 जा, ओके 14 5 जा 70 डिवाइड बाय 4 कर लो BQ, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे हमको मिल जाएगा कितना 17.5, That is BQ is equal to 17.5 U. ठीक है, ये हो गया फिर। अब इसी तरह इसी के बेस पे यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं AB parallel to DC parallel to EF, AB parallel to DC parallel to EF, यहाँ पे ये parallel है और ये transversal है, यहाँ पे भी सेम चीज हो सकती है BF upon BD equal to CE upon DC, तो हमको मिल जाएगा x और उसको फाइंड करने का ए ही फाइंड करना, ए में यू सी प्लस सी, ठीक है। तो सेंस यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है से ए बी पैरेलल टू से बी सी पैरेलल टू से ई एफ, ओके गिवन देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन, क्या हो जाएगा हमारे पास बी डी अपॉन बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी। ओके, तो जो वैल्यू है वो कर दो, बी डी हमारे पास क्या है 8, ठीक है, डी बी हमारे पास बी डी अपॉन डी एफ, ठीक है, डी एफ कितना है 4, ए सी 12 और सी हमारे पास 4 जाएगा,
ठीक है, x आ गया, पर हमको x नहीं फाइंड करना, हमको फाइंड करना ए जी, ए ई इज व्हाट, ए सी प्लस सी ई, ए सी कितना हमारे पास 12 प्लस x, x में हमने अभी कैलकुलेट किया है कितना हमारे पास है 6, ये हो गया 18 यूनिट, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का, तो हम लोग ने अभी क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ पीपीटी के जो रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट का 3 पैटर्न है उसके ये 2 सम हमने कर लिए, इसके बेस पे हम लोग और भी सारे सम्स कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एंगल बाइसेक्टर, उसका हम लोगों ने नहीं किया, तो एंगल बाइसेक्टर के बेस पे जो भी सम्स है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको प्लीज नोट कर लो, समझ लो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहो। हाँ, तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखा एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी जिसमें हम लोगों ने देखा था रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट का 3 पैटर्न। अब हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी का जो फर्स्ट थ्योरम हमने किया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसके 2 सम, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें ऑलरेडी हमको दिया है एमएनपी एनक्यू इज बाइसेक्टर, तो ये हम लोग का एनक्यू क्या है, बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर जिसमें पीएन हमारे पास 7 है, एमएन हमारे पास 5 है, एनक्यू हमारे पास 2.5, तो हमको फाइंड करना है क्यू, तो काफी इजी है। अगर ये बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर डिवाइड तो अपोजिट साइड इनटू द रेशियो ऑफ एमएन 2 साइड, सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। यहां पे इन ट्रायंगल एमएनपी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, एमक्यू अपॉन क्यूपी इज इक्वल टू एमएन अपॉन एनपी, रीजन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बस वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, एमक्यू कितना हमारे पास 2.5, पीक्यू एमएन हमारे पास है 5, एनपी हमारे पास है 7, 2.5 इंटू 7 इक्वल टू 5 इंटू पीक्यू, ठीक है, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 2.5 इंटू 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू पीक्यू, 5 हो जाएगा हमारे पास 7 5 34, ये हो गया हम लोग का पीक्यू, पीक्यू कितना आ गया हमारे पास 3.5, ओके। तो ये अब इसके बाद हमारे पास है एमएनपी, ठीक है, तो ये एमएनपी यहाँ पे भी हमको क्या करना, ऑलरेडी बाइसेक्टर दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ क्यू एमक्यू बाइसेक्टर, मुझे फाइंड करना है पीक्यू, सेम चीज, ठीक है। तो यहाँ पे टू फाइंड हमको करना है क्यूपी सॉल्यूशन, ठीक है, ऑलरेडी बाइसेक्टर दिया इन ट्रायंगल एमएनपी, ठीक है, सेक एमक्यू बाइसेक्टर ऑफ एंगल एमएनपी, ठीक है, एमएनपी एनक्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस, तो यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम डायरेक्टली लिखा एमएन अपॉन एनपी इज इक्वल टू एमक्यू अपॉन, ठीक है, रीजन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब एमएन हमारे पास है कितना 25, एनपी हमारे पास है 40, एमक्यू है 14 और ये क्यूपी हमको फाइंड करना है, क्या हो जाएगा 25 इंटू क्यूपी इज इक्वल टू 14 इंटू, उधर चला जाएगा 25, ठीक है, कैलकुलेट कर लो 5 5 5, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर लो, यहाँ से कर लो 5 1 5 6, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 14 इंटू 1.6, ठीक है, ठीक है, 14 6 14 6 84, ठीक है, इसके बाद 14 में था 14 और 8, ठीक है, 22.4 आ गया हमारे पास, 22.4, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, तो इस तरह से हम लोग का आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे इसमें और बीपीपीटी वाले सम और बीपीटी के बाद, ठीक है, हाँ ये करने के बाद, ठीक है, सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करना है, ठीक है, सबको ये शेयर करते रहो, हमारे सब्सक्राइबर कम से कम 1000 तक पहुंचने चाहिए, तो प्लीज सभी लोग जितना भी हो सके उतना शेयर करते रहो इसे, और कमेंट में बताते रहो, किस डाउट रहेगा तो हम लोग कमेंट में क्लियर करोगे।